हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एग्जांपल नंबर 8 एंड एग्जांपल नंबर 9। इसके अगले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में समझाया हुआ है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है। ओके, अभी एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन, वहाँ पे डिफाइन करा हुआ है एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x इज अ 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये हमें प्रूव करना है और शो करना है। देखो इधर जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन करके दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n टू n। अब आप मुझे बताओ कि नेचुरल नंबर में कौन से नंबर होते हैं, तो कि 1 2 3 4 वैसे 101। सिमिलरली इधर भी सेट n है तो उसमें भी नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। फंक्शन का काम क्या है कि आप जो भी इनपुट डाल रहे हो उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देगा, 2। अगर मैंने 1 इनपुट डाला तो मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 2। अगर हमने एफ ऑफ 1 इनपुट डाल दिया तो वो क्या करेगा, 2 इंटू 1 कितना बनाएगा, 2। 2 इनपुट डाला तो कितना आने वाला है, 4। 3 इनपुट डाला तो कितना आने वाला है, 6। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इधर से कोई भी एलिमेंट लेने वाले हो तो सबकी यूनिक इमेज आएंगी और वो भी डिस्टिंक्ट होगी। कोई सी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन डबल सेम होता नहीं है। 1 1 तो है, 1 2 नहीं है। 1 2 का मतलब क्या था, कोडोमेन इज इक्वल टू जिसके ऊपर एरो आ जा रहे हैं, रेंज, दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे इक्वल है नहीं, क्योंकि 1 3 5 उसके ऊपर एरोज नहीं आ रहे। तो अगर हमें मैथमेटिकल किस तरह से लिखना है, मैंने वहाँ डेफिनेशन में भी सिखाया था कि 1 1 का मतलब और 1 2 का मतलब, वो सब में पैटर्न फिक्स है, तो ध्यान से देखो। अब हम फर्स्ट लिखने वाले हैं 1 1। तो 1 1 में क्या करना था, सबसे पहले इधर जो भी सेट गिवन है डोमेन वाले सेट में से, वहां से आपको दो एलिमेंट उठाने हैं। हम उठा लेते हैं x1, x2 बिलोंग्स टू n। उसके बाद दोनों की इमेज इक्वल हमें पहले ले लेना है, मतलब कि f ऑफ x1 जो आ रहा है वो आंसर इज इक्वल टू ही f ऑफ x2 है, ऐसा हमें लेके ही चलना है। और अभी हमें चेक करना है क्या x1 और x2 दोनों सेम हो जाते हैं। अगर सेम हो जाते हैं तब बोलते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। चलो देखो, इधर मैंने एफ ऑफ एक्स वन रखा तो इधर क्या होगा, 2x1 इज इक्वल टू इधर क्या होगा, 2x2। इधर 2 से 2 कट तो आंसर क्या आया, x1 इक्वल टू x2। मैंने एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिया और दिखा क्या दिया, x1 इक्वल टू x2। इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन। चलो ये बात हो चुकी 1 1 की, अब हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू तो नहीं है हमें पता है। ओके, जब 1 1 होता है तब हमें उसको जनरल प्रूफ करना पड़ता है x1 x2 लेके। अगर वो 1 1 नहीं होता तो पर्टिकुलर उसी एग्जांपल को दिखाना है कि देखो इसी के लिए नहीं हो रहा, वैसे ही ऑन टू का है। ऑन टू नहीं हो रहा तो हमें पर्टिकुलर एक एग्जांपल देना पड़ेगा। अगर ऑन टू होता है तो हमें इन जनरल लिखना पड़ता है। इधर देखो ऑन टू नहीं है, 1 कभी भी इमेज बनने वाला है नहीं, तो कैसे लिखेंगे, तो देखो पीछे वाले सेट का ही एलिमेंट उठाओ कोडोमेन में से, कि 1 बिलोंग्स टू मैंने n लिया तो सामने वैसा डोमेन में कोई x नहीं मिलेगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x, कोई x एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा या n में कि जिसका आंसर क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, सच दैट ऐसा कोई नहीं एग्जिस्ट कर रहा। जैसे मैं इधर x वो इनपुट करूँ तो आंसर 1 आए, ऐसा नहीं मिल रहा, मैंने ऐसा लिखा है। अगर मिल रहा है ऐसा लिखा होता तो ऑन टू हो जाता। इधर मैंने क्या लिखा है, डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। जब ऑन टू फंक्शन नहीं है तब तो हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मैंने इधर 1 लिखा, आप 3 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, कोई भी ऑड नंबर, राइट। तो एक क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। प्रूव दैट कि f फ्रॉम
सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर पे डिफाइन है, आर टू आर, गिवन बाय सिमिलर, वही फंक्शन है सिर्फ, लेकिन इधर कौन सा नंबर है, रियल नंबर टू रियल नंबर, इज गिवन बाय ऑन टू, सॉरी इज गिवन गिवन बाय फोर एक्स इक्वल टू टू एक्स इज वन वन एंड वन टू। चलो प्रूव करते हैं, सिंपल है, अब आप सबको पता चल ही गया है क्या होगा। मैं एरो डायग्राम से आपको सिर्फ विजुलाइज करा रहा हूँ, ये ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं। रियल नंबर है तो उसमें तो इंटीजर होंगे, रेशनल होंगे, सारे नंबर इंक्लूड होंगे, राइट। इधर भी सिमिलर वही नंबर होंगे, इधर वन, इधर टू, इधर वन बाय टू भी लाई करता है, राइट। ओके, फंक्शन क्या करता है कि आप जीरो इनपुट करते हो तो जीरो आंसर देगा, अगर वन इनपुट करते हो तो टू आंसर देगा, इधर टू है। अब वन बाय टू पुट करते हो, वन बाय टू, टू टू कट वन आंसर आएगा, वन बाय टू का आंसर वन। तो अब क्या होगा पता है, सभी का डबल यूनिक होता है, सबका एरो डिस्टिंक्ट अलग अलग नंबर ऊपर ही जाएगा, लेकिन कोई नंबर बाकी भी नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है, इधर वन पे एरो आ गया वन बाय टू का आंसर, इधर वन बाय टू अगर नंबर होता तो इधर मैं वन बाय फोर लेता, वन बाय फोर का डबल वन बाय टू होता है, मतलब कोई नंबर बाकी नहीं रहेगा यहाँ से इसके ऊपर एरो आने में, मतलब वन वन तो है, ऑन टू भी है, इधर सभी नंबर के ऊपर एरोज आएंगे क्योंकि रियल नंबर के अंदर वन एंड टू, उसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, समझ रहे हो आप। तो ये दोनों है, लेकिन लिखना कैसे है बस वही तो दिक्कत आती है सबको। चलो सिखाता हूँ, वन वन, वन वन के लिए हमें दो एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, डोमेन में से, डोमेन कौन सा है यहाँ पे, रियल नंबर, तो एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर, और दोनों की इमेज इक्वल है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू ही एफ ऑफ एक्स टू है, दोनों की इमेज कैसी है, सेम। फंक्शन वर्क क्या करता है, जो आप इनपुट डालते हो उसका डबल करता है, इधर मैंने एक्स वन इनपुट डाला तो उसका डबल कर देगा, इधर एक्स टू डाला डबल कर देगा, तो एक्स वन इक्वल टू ही क्या मिला, एक्स टू। इसका मतलब क्या होता है मैंने अगले वाले वीडियो में बताया था, इधर एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू दोनों अलग अलग इमेज सेम दिखा दिया, तो नंबर भी सेम मिल गया, इसलिए क्या होता है, वन वन, एफ इज वन वन, वन वन तो बहुत ईजी है। मेन बात आती है ऑन टू प्रूफ हो तो किस तरह से लिखना है, तो किस तरह से लिखना है ध्यान से देखना। फॉर एवरी, सभी नंबर के ऊपर एरो आने चाहिए कोडोमेन में, मतलब कि कोडोमेन एंड रेंज दोनों इक्वल होना चाहिए। तो लिखना कैसे है, फॉर एवरी, इधर से हम जो एलिमेंट लेते हैं उसको एक्स बोलते हैं, इधर से एलिमेंट लेते हैं उसको वाई। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर, देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू अगले वाले डोमेन में आर, कोई एक्स ऐसा एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन यहाँ पे कैसा एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए वो हमें कैसे फाइंड करना है, वो इधर मैं सिखा रहा हूँ। जो भी फंक्शन, जो भी आपको गिवन है उसी को इधर लिख दो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, और एफ ऑफ एक्स को वाई बोल दो, क्या बोलना है वाई, और एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वाई बाई टू आएगा, बस वही तो इधर लिखना है। देयर एग्जिस्ट कोई वाई बाई टू इधर बिलोंग करता ही होगा एक्स में, आर में, सच दैट, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स, एक्स हमने क्या लिया इधर देखो, वाई बाई टू क्या लिया है, वाई बाई टू है ना, तो क्या करता है उसका डबल करता है, टू इंटू वाई बाई टू कैंसल, आंसर क्या आया, वाई लिया था क्या आपने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मिला, और इधर देर एग्जिस्ट है, इधर देर एग्जिस्ट नहीं था। कैसे लिखना है, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर देर एग्जिस्ट सम एक्स, वो एक्स क्या लेना है, इसी में से आपको एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, वो लेना है, सच दैट एफ ऑफ एक्स लिखना है, एक्स में वो वैल्यू पुट करनी है और फंक्शन अप्लाई करा देना है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मिलता है, तब आपको क्या लिखना है, एफ इज ऑन टू फंक्शन, तो प्रूव हो चुका है ऑन टू फंक्शन। इसमें किसी को डाउट्स है तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, और टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइंट हो सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।